हर महादेव। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे जो आज की ये हमारी वीडियो है ये अमरनाथ यात्रा परमिट से रिलेटेड होने वाली है। तो आप में से कई लोग हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि परमिट कहाँ अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें, उसका प्रोसीजर क्या है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर वो बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही ईजी वे में समझाने वाला हूँ जिसके थ्रू आप उसको फॉलो करके ईजिली अपना परमिट बनवा सकते हैं। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर में सीधा टाइप करना है jksasb.nic.in। तो जो भी इसका फर्स्ट पेज आएगा उसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। तो जैसे ही आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको बेसिकली अपनी नॉर्मल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर ये फिल करना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो। और जो भी ये नीचे की डिटेल्स है ये आपके डिक्लेरेशन है, जो भी आपको इशू है वो आप फिल कर सकते हैं, जो नहीं है अगर आपको कोई इशू है तो उसको यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। और सेम ऐसे ही आपको अगर इनमें से कोई इशू है जैसे हार्ट अटैक आया हो कभी या फैमिली में सडन किसी की डेथ हुई है, ऐसे जो भी इनमें क्वेश्चन किए गए हैं उसमें आपको यस और नो में आंसर देना है। तो सिंपल ये आप फॉर्म भर लीजिएगा और फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ देखेंगे नीचे तो देखिए स्टेट वाइज डॉक्टर लिस्ट दे रखी है। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं वहां के अगर हॉस्पिटलों की लिस्ट जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं जो भी हॉस्पिटल आपके नियर बाय हो आप उस हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के हॉस्पिटल होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल और एक होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर आप गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ आपका जो मेडिकल होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ ये है टाइम आपका लग सकता है, एक दो दिन कंज्यूम हो सकते हैं वहाँ क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग जाके ओपीडी की लाइन में लगना होगा। और दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट हॉस्पिटल का जिसमें आपका लगभग 800 से लेकर 1500 या 1800 तक में आपका मेडिकल इजीली हो जाएगा। और मेडिकल हो जाने के बाद वो आपको पूरा प्रॉपर स्टैम्प वगैरह, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और हर चीज़ मतलब फिल करके वो पूरा एकदम मेडिकल आपको फॉर्म रेडी करके दे देंगे जो आपको देखो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार का आपका मेडिकल फॉर्म आ जाएगा। वो मेडिकल फॉर्म आने के बाद सिंपल आपको वापिस से उसी साइट पर जाना है जो अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है। उस पर जाने के बाद सिंपल आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिएगा कि आप नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर यात्रा। उस पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे देन रजिस्टर्ड पे। उसके सामने आपको देखिए एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप रूट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से रूट से जाना प्रेफर करेंगे, बालटाल और पहलगांव। तो हम पहलगांव से जाएंगे तो हमने पहलगांव रूट सेट कर लिया है। आप बालटाल से जाना चाहते हैं तो आप बालटाल से सेट कर सकते हैं। और यात्रा की डेट सपोज कीजिए हमें 25 जुलाई को जाना है तो यहाँ पे हम चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आप देख सकते हैं 2359 सीटें अभी खाली है यहाँ। तो उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे सारी डिटेल अपनी फिल कर लेनी है जैसा कि आपको ये मेंशन कर रखा है। वो सारी डिटेलें फिल करने के बाद नीचे मेडिकल डिटेल जिसके अंदर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी स्टेट से मेडिकल कराया है एंड देन आपका लोकेशन मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल। और उसके बाद हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन से हॉस्पिटल से कराया। तो जो भी हॉस्पिटल उस एरिया में लिस्टेड होंगे वो ऑलरेडी इसमें शो करेंगे, आपको सिंपल उसी हॉस्पिटल पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अथॉरिटी नेम का यहाँ पे नाम आ जाएगा मतलब जिस भी डॉक्टर ने आपका मेडिकल बनाया है।
उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, लेकिन मेक श्योर कि वो आपकी 1 MB के अंडर ही होनी चाहिए और फॉर्मेट होना चाहिए उसका JPG या JPEG। और सेम मेडिकल का, मेडिकल को भी आपको स्कैन करके PDF बनाने लें, वो भी 1 MB, वो PDF में जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट आपका। और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ है आपको, जिस दिन आपके डॉक्टर ने स्टैंप ला के आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, उस दिन की डेट कि आपने किस डेट को बनवाया, वो डेट यहाँ पे डाल के सिंपल ये कैप्चा फिल करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद आपको एक टेम्परेरी नंबर मिल जाएगा। देखिए आपको डिस्प्ले पे मैसेज शो हो रहा होगा, आपको एक टेम्परेरी नंबर मिल जाएगा। सिंपल आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही वो मैसेज आपके पास आ जाता है उसके बाद आपको वापस से इसी वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद लास्ट में देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर में, तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज करके ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद देखिए मेक पेमेंट्स का ऑप्शन आपको विजिबल होगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, एंड देन क्लिक करने के बाद जो यात्रा एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पे आया है, जिसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे यहाँ फिल करना है। और जिस मोबाइल पे आपका ये मैसेज आया है वो मोबाइल नंबर फिल करना है, और उसके बाद ये कैप्चा आपको क्लियरली यहाँ पे नीचे फिल कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट एंड डाउनलोड परमिट। जैसे ही आप मेक पेमेंट एंड डाउनलोड परमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक पेज पॉपअप होएगा, उसके अंदर आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या UPI के थ्रू, जो भी आपको ऑप्शन बेस्ट लगे आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आप अपना यहाँ से परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बाद में भी इन फ्यूचर परमिट को दोबारा डाउनलोड करना है, अगर आपसे मिसप्लेस हो जाता है, तो सेम प्रोसीजर है, वैसे ही आपको इसी वेबसाइट पे आना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, सिंपल दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर डाल देंगे, तो आपका परमिट दोबारा से डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गया ऑनलाइन का। अब बात करते हैं ऑफलाइन की, कि आपको ऑफलाइन कैसे करवाना है, अपना परमिट कैसे बनवाना है। तो ये प्रोसीजर है ऑनलाइन का। इसमें आपकी जो फीस लगेगी वो लगेगी ₹220 की, और अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो है ₹120। आई थिंक 120 या 150 है, ₹150 के आसपास होगी फीस उसकी। तो उसके लिए सिंपल आपको जो आपने मेडिकल करवाया बैंक से, एक वो फॉर्म, और फिर उसके बाद आप वापस से गूगल पे आइएगा। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF, तो एंटर करने के बाद देखिए आप यहाँ पे ऊपर एक पेज शो हो रहा है, यहाँ पे PDF भी लिखा हुआ है। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि ये फॉर्म ओपन हो गया है। इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है एक। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जैसे हम ऑनलाइन डिटेल फिल कर रहे थे अपनी, वैसे हमें इसमें डिटेल फिल करनी है मैनुअली। नेम, स्पाउस या फादर नेम, ब्लड ग्रुप, एज, एज के लिए आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, एड्रेस, स्टेट, आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। और उसके बाद नीचे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूट चूज करना है, आप बालटाल से आना चाहते हैं या चंदनवाड़ी से। जो चंदनवाड़ी गेट है ये बेसिकली पहलगाम वाला रूट है, और आप किस डेट को जाना चाहते हैं वो अपनी डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे आके यहाँ लिखेंगे अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम लिखने के बाद फिर यहाँ पे अपना फादर नेम या वाइफ ऑफ जो भी है आप उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद नॉमिनी डिटेल, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, एंड देन उसकी एज, एंड फिर रिलेशनशिप कि उनसे आपका रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर का हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है, फादर मदर का हो सकता है। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। तो सिग्नेचर करने के बाद आपको जाना है बैंक, और आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कौन से बैंक में जाना है और कहाँ से आपको अपना ये परमिट अप्लाई करना है। तो उसके लिए इजी, आप सिंपली आप अपने वापस से अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के पेज पे आइए। तो जैसे ही आप अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए स्टेट वाइज डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच दे रखे हैं।
तो जैसे ही आप इस ब्रांच पे क्लिक करेंगे, देखिए आप स्टेट वाइज सारे बैंक्स आ गए। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो आप ये देखिए दिल्ली के कितने बैंक यहाँ पे शो कर गए। तो इनमें से आप किसी भी बैंक में जाके अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन जो फीस होती है वो है 150 रुपये और ऑनलाइन जो आपकी परमिट फीस है वो है 220 रुपये। तो आप इसके थ्रू इजीली परमिट बनवा सकते हैं। देखिए आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा एक ऑनलाइन बना हुआ परमिट और एक ऑफलाइन बना हुआ परमिट। ऑनलाइन परमिट जो है वो डिजिटली साइंड होता है। अगर आप ऑनलाइन परमिट बनवाते हैं तो आप अपना जो मेडिकल, जिस टाइम आपने मेडिकल बनवाया था जिसका PDF बना के आपने अपलोड करा था, उस मेडिकल को आपको कैरी करना होगा अपनी यात्रा के दौरान। और ऑफलाइन जो आपने परमिट बनवाया था, ऑफलाइन परमिट के अंदर आपको मेडिकल कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑफलाइन मेडिकल के दौरान बैंक के अंदर ही आपका मेडिकल जमा कर लिया जाता है, इसलिए वो आपको एक परमिट पे मैनुअली स्टैंप मार के देंगे जो आपकी वैलिड रहेगी। ऑफलाइन के केस में ऐसा नहीं है, ऑफलाइन के केस में आपको मेडिकल अपने साथ कैरी करना होगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो इस तरीके से आप इजीली अपना परमिट बना के बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अमरनाथ यात्रा के बजट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपका बजट कितना आएगा, क्या खर्चा होगा, क्या हेलीकॉप्टर का फेयर होगा, क्या बस का फेयर होगा, हमें बस से कहाँ पे उतरना होगा, या वाया ट्रेन आना चाहते हैं तो वहाँ से आपको टैक्सी का क्या फेयर पड़ेगा। तो पूरी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और लोकेशन पे। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ। जय हिंद, हर हर महादेव।